में पर खिछा ले आओ तुम पार मते पार्वती तुम किसकी आराधना कर रही हो क्यों अपनी देह को जला रही हो। कहा कि मैं भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रही हूँ, पति के रूप में प्राप्त करना है। भगवान भोलेनाथ के विषय में सप्तऋषि क्या कह रहे हैं? क्या कहा कि ऊंचे कुल का ना वो नीचे कुल का ऊंचे कुल का ना वो नीचे कुल का और मगन को झोलिया वो टांगता करता है से हमारे नितिन भैया रघुवंश जी खलवाले एक बार जोरदार ताली से स्वागत करने के लिए किस बात पर? और पता चला है भांग का नशा करता है और बीपी के शमशान में बसा करता है मेरी बात तो सुनो, संसार में ऐसी जोड़ी नहीं मिल पाएगी। बार बार समझाया क्या कहा, अगर भगवान भोलेनाथ से मैं विवाह नहीं करूंगी तो मर जाऊंगी। क्या कहा, ए शिव से करूं ब्याह तो सुन लो मुनि अपनो परनाम जहर खा के मर जाऊंगी परनाम जहर खा के मर जाऊंगी पर नाम जहर खा के शिव के आगे विष्णु कोई चीज नहीं मुझसे कहते हो कहने की तमीज नहीं शिव के आगे देखो एक और नयन के आगे कोई ना कोई पीछे ये झोली टांगने वाले क्या कहा क्या हेलो 51 रुपए की राशि नितिन जी रघुवंशी की ओर से मंडल को प्रदान की जाती है। मंडल उनसे आशीर्वाद की कामना चाहता है। अर्जुन के आगे भी न कोई पीछे भी न कोई आगे पीछे कोई एक और दो ऐसा जोगी है ऐसा जिसके घर में न खाने को दाना न रहने का ठिकाना तुम उनकी बातें करती हो। क्या कहा वो ऐसा जोगी है सुन लो बारा जी सुन लो बारा जी सुन लो बारा जी
पीछे भी वो ऐसा जोगी है ए सुन लो बहरा जी सुन लो बहरा जी ए सुन लो कामनी बार मेरी बात सुनो। मैंने अपने मन मंदिर में प्रभु को बसा लिया। क्या कहा के अब तक को मैंने सुनी है ए मुनि भाई तुम्हारी बात क्यों मन में मेरे को ही बसे मेरे भोले सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ के पहुंच गए। कहा मुनिवर अब बात डटेगी नहीं, आप शादी की तैयारी कर लो। आपके बीच महावीर मंडल सर्रा लांजी पधार चुका है। एक बार जोरदार मंडल का तालियों से बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आज 101 रुपए की राशि हमारे ग्राम पंचायत सरपंच उमाशंकर जी कुशवाहा की ओर से और 21 रुपए की राशि मक्खन चाचा हमारे मिस्त्री हलवाई मालापाट वालों की ओर से मंडल को प्रदान की जाती है। मंडलों से आशीर्वाद। बाल मुकुंद जी पटेल मंगवारी वाले आपका आशीर्वाद। 51 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। 50 रुपए भगवान भोलेनाथ अपनी बारात तैयार कर रहे हैं राजा हिमाचल के दरबार में जाने के लिए। इधर भगवान विष्णु जी आते श्रृंगी भृंगी नंदी से पूछते कहा भैया इतना समय क्यों लग रहा है। कहा कि प्रभु को सजाने में थोड़ी देर तो लगेगी, बारात जाना है, क्या कहना है। ए बारात तो बारात तो जाना है, क्यों जरा देर लगेगी। ए शिव जी को सजाना है, शिव जी को सजाना है, ओ जरा देर लगेगी। क्यों ए बारात तो बारात तो जाना है, बारात तो जाना है, जरा देर लगेगी। बारात तो सजाना है, ओ जरा देर लगेगी। क्या बात, सब खुशियां मनाना है, जरा देर लगेगी। बारात तो हाँ भैया हमारे बीच मेरे अनुज भाई यशवंत पटेल महावीर मंडल सर्रा लांजी एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें इनका। और आप तत्पर तैयार होकर मंच के पास आ जाएं।
आज सारे साथी लोग पूछ रहे हैं कि प्रभु को कैसे सजाना है, क्या कहा। अब आपके बीच नितिन जी रघुवंशी मित्र मंडली खल आपकी ओर से 101 रुपए की राशि हार्दिक। ला 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 भंगी से क्या है क्या हल्दी मजा न देगी चंदन मजा न दे हमारे कंवर भैया के बिना ये कार्यक्रम मजा ना देगा। भैया एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें इनके लिए नोटों की बरसात हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अरे हल्दी मजा न देगी चंदन मजा न देगा बाँ? ये हमारे कब्बर भैया नोटों की बरसात कर रहे हैं लेकिन यहाँ नाच दो आप किस प्रकार। ओ ओ ला 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 ओ ओ ला 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 ओ ओ हाँ भैया समय 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 माता रानी का जस अगले राउंड में सुनाना है ठीक।